भूत और चुड़ैल की कांवड़ यात्रा। शाम के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी कि एक शिविका नामक औरत अपने कंधे पर शिवजी का कांवड़ लिए जा रही थी। उसके साथ उसका पति भी था। आंधी और तेज चलने लगती है। दोनों एक सुनसान कटीले पत्थर वाले रास्ते पर नंगे पांव जा रहे थे। इससे उनके पैर छिल भी रहे थे, पर दोनों डट कर कांवड़ लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक ही शिविका का पैर एक बड़े से पत्थर पर लगता है, जिससे उसका कांवड़ छूट जाता है। तभी उसका पति भोला अपने भूत के रूप में आकर अपनी शक्तियों से उस कांवड़ को जमीन पर गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद दोनों कहते हैं, शिविका तुम ठीक तो हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कांवड़ को बचा लिया, वरना हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। नहीं शिविका, मैं ये अनर्थ नहीं होने दे सकता था। हम ये शिव जी की कांवड़ यात्रा जरूर पूरी करेंगे। जी बिल्कुल, पर आप अपने भूत रूप में मत आइए, पहले जैसे हो जाइए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कांवड़ यात्रा चुड़ैल और भूत कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहले जैसा बन जाता हूँ। हर हर महादेव की जय। लो आ गया, अब कांवड़ मैं लेके चलूंगा। तुम बहुत देर से लेकर आ रही हो, तो यात्रा आरम्भ करें। जी, देवों के देव महादेव की जय। इस तरह भोला कांवड़ उठाकर हर हर महादेव करके चलता है और शिविका उसके पीछे चलती है। बात अचंभित करने वाली है, पर आखिर एक चुड़ैल और भूत कांवड़ क्यों उठा रहे थे? क्यों वो शिवजी के असीम भक्त थे, या चुड़ैल और भूत किसी बड़ी दुविधा में थे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शिविका और भोला चार दिन से नंगे पांव काफी दूर तक यात्रा करके आधे रास्ते पहुंच जाते हैं। शिविका, शिवजी का कांवड़ उठाकर ले जाना कितना कठिन होता है ना? बस जल्दी से हम हरिद्वार पहुंच जाएं। सुनिए जी, आप थक गए होंगे, लाइए कांवड़, अब मैं उठा लेती हूँ। नहीं, तुम्हारे पैर में लग गई थी ना? कोई बात नहीं, अब आराम है मुझे। शिविका, भले ही हम चुड़ैल और भूत बन गए हों, लेकिन परेशानी उतनी ही होगी, क्योंकि ये शिवजी की कांवड़ यात्रा है। हो सकता है आगे के लिए रास्ते और कठिन हो जाएं। जी बिल्कुल, हमें कैसे भी करके इस यात्रा को पूर्ण करना ही होगा। इस तरह दोनों शिवजी का नाम लेकर फिर आगे बढ़ते हैं और शिविका कांवड़ उठाती है। दोनों नौवे दिन हर की पौड़ी पहुंच जाते हैं। अब हरिद्वार पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रास्ते में उन्हें कांवड़ यात्रा की टोली मिल जाती है, जो शिव जी में लीन थे। भोला जी, हम उन लोगों के साथ शिव टोली में शामिल हो जाते हैं, मेरा बहुत मन है। तो चलो, हर हर शंभु 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 महादेवा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदाव संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कुछ देर बाद दोनों कांवड़ को किसी कांवड़िया को सौंप कर नाचने में मग्न हो जाते हैं। कांवड़ियां चलते चलते हरिद्वार पहुंच जाते हैं और चुड़ैल और भूत पूरी विधि विधान के साथ स्नान कर पूजा पाठ करते हैं और गंगा जल को कलश में भर लेते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से नीलकंठ में परिक्रमा लगाकर वापस चलते हैं। इतने में उनके पास पहाड़ों से छोटे मोटे पत्थर गिर कर आने लगते हैं। तभी भूत कहता है, शिविका बचो, पत्थर आ रहे हैं। अच्छा हुआ ना हमने गंगा जल को जल्दी भर लिया, अब हमें अपने बेटे के पास जाना चाहिए, वह बड़ी विकट स्थिति में है। जैसे दोनों इन पत्थरों से बचकर आगे जाते हैं, तो आगे भूकंप सा आने लगता है। तभी सामने शिवजी की मूर्ति से रोशनी के साथ आवाज आती है, शिविका भोला, यदि तुम अपने पुत्र के पास जल्दी पहुंचना चाहते हो तो मेरी दी हुई अग्नि परीक्षा को पार करो। मेरा आशीर्वाद है बेटा तुम्हारा जरूर स्वस्थ होगा, तथास्तु। ये कहते ही वो रोशनी चली जाती है और भोला कहता है, शिविका अब तो खुद हमें शिव जी से आशीर्वाद मिल चुका है, अब हमें उनकी दी हुई अग्नि परीक्षा को पार करके गौरव के पास पहुंचना होगा, हम और समय नष्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, दोनों अपने असली रूप में आते हैं, जहां उनके सामने कभी आंधी तूफान आता है तो कभी कांच के पथ से गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे वो सारी अग्नि परीक्षाओं को पार करके पहुंचते हैं, वैसे ही उनकी शक्तियां, उनका भूतिया शरीर कमजोर होता जाता है। लंबी सांस लेते हुए शिविका कहती है, भोला जी मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा,
मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। शिविका, हमें बेटे के लिए करना ही होगा, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो जोर से बोलो, हर हर महादेव। जिसने हमें हर मुश्किल से बचाया, आगे भी वही पहुंचाएगा। जी, हर हर महादेव की जय। शिव जी का नाम लेकर कांवड़ उठाकर बारी बारी से दोनों आगे के रास्ते बाहर करते हैं। अब उनके सामने ज्वाला से भरी नदी थी, जिसे उनको ऊपर के पुल पर चढ़कर पार करना था। भोला जी, ये तो बहुत कठिन है, हम इसमें गिर गए तो मिलेंगे भी नहीं। शिविका, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन भोलेनाथ हमारे साथ है हमेशा। कांवड़ को लेकर इस ज्वालामुखी पुल को पार करना ही होगा। चलो सात कदम रखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चुड़ैल और भूत शिवजी की स्तुति करते हुए उस अग्नि परीक्षा को भी पार कर लेते हैं। तभी रास्ते में उन्हें प्यासा बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जो उनको कहता है, अरे बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, 3 दिन से एक पानी की बूंद नहीं मिली। बेटा बेटा, पानी पिला दो। प्यासे बाबा की बात सुनकर उन्हें कांवड़ का जल ग्रहण करा देते हैं और कहते हैं, शायद मेरे बेटे के नसीब में और आयु नहीं थी। शुक्रिया बेटा। एक बात कहूँ, मैंने आम से आम इंसान को कांवड़ ले जाते हुए देखा है, पर तुम पिशाच कांवड़ लेकर क्यों जा रहे हो? बाबा, ये सब हम अपने बेटे के लिए कर रहे थे। 20 दिन पहले हम दोनों अपने 21 साल के बेटे के साथ चार धाम यात्रा पर जा रहे थे कि एक ट्रक वाले ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी। उस हादसे में सबसे ज्यादा चोट मेरे बेटे को पहुंची। अभी तक वो होश में नहीं आया। हमने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर हमने पूजा पाठ कराया तो एक पंडित जी ने कहा, पुत्री, यदि तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो इस सावन कांवड़िया जा रहे हैं, तुम भी कांवड़ उठाकर गंगा जल लेकर आओ, और उस गंगा जल से तुम्हारा पुत्र जरूर ठीक होगा। और हाँ, जितने श्रद्धा भाव से करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा बेटा ठीक होगा। पंडित जी, हम अपने बेटे के लिए आज ही कांवड़ लेकर निकलेंगे। ये कहते ही दोनों पति पत्नी कांवड़ लेकर निकल जाते हैं। बड़ी कठिनाइयों के साथ पैरों में छाले लिए आधा रास्ता पार करते हैं, पर एक पहाड़ से गिरकर यात्रा में दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल और भूत बनने के बाद भी अपनी कांवड़ यात्रा को जारी रखते हैं और यात्रा पूरी करने की कोशिश करते हैं। कितनी कठिनाइयों के बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे थे। भगवान शिव ने तुम्हारे पुत्र गौरव को स्वस्थ कर दिया है, समझो। शायद बाबा, हमारे पुत्र के जीवन में और आयु नहीं लिखी थी। ये कहते ही दोनों खाली कांवड़ लेकर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उनका कांवड़ भारी हो जाता है। और शिविका कहती है, भोला जी, हमने सारा जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया था तो कांवड़ हल्का हो गया था, लेकिन अचानक ही अब ये भारी लगने लगा है। अच्छा, दिखाओ मुझे। भोला कांवड़ के कलश में गंगा जल देख कर अचंभित हो जाता है। तभी दोनों घर जाकर उन पंडित जी को गंगा जल सौंपते हैं। फिर वह पूजा करके गौरव को जल ग्रहण कराते हैं। उसी क्षण गौरव को होश आ जाता है और वह अपने माता पिता के गले लगता है। तभी दोनों कहते हैं, मुझे लगता है ये शिवजी का ही चमत्कार है जो हमारा कलश वापस गंगा जल से भर गया। शिविका, हमारा पुत्र ठीक हो गया। वो बाबा कोई और नहीं, हमारे भोलेनाथ ही थे। उन्होंने हमारे हाथ से जल ग्रहण किया। तुम्हें याद है, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया था कि हमारा बेटा गौरव ठीक हो जाएगा, वरना हमने तो उन्हें गौरव का नाम बताया ही नहीं था। जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, और हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। इसी के साथ दोनों को मुक्ति मिल जाती है। 12 बच्चों वाली चुड़ैल। पारो रामपुर गांव में अपने सास सुमन और पति नवीन के साथ रहती थी। दोनों की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से पारो नवीन बहुत परेशान थे। साथ ही पारो को उसकी सास आए दिन ताने दिया करती थी, तो कभी पड़ोसी उसे बांझ कह के पुकारा करते थे। एक सुबह सुमन आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ करम जली, नासपीटी कहाँ मर गई? सूरज सर पर उगाया है, लेकिन तेरी चाय मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची। क्या चाहती है, बिना खाए पिए मर जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, बस मैं आ गई, आपकी फेवरेट पकौड़े ही बना रही थी। फेवरेट पकौड़े की बच्ची, मुझे पकौड़े खिलाकर तू मेरा ध्यान भटकाना चाहती है ना? अरे जानती भी है, तेरी वजह से मुझे कितने ताने सुनने को मिलते हैं। सबके हाथ में उनके पोते पोतियां खेलते हैं, लेकिन मेरे नहीं। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है?
हम दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। भगवान की मर्जी होगी तो वो हमें जरूर माँ बाप बना देंगे। इतने सालों से मैं इसी उम्मीद में हूँ कि अब तो तू मुझे खुशियाँ देगी दादी बनने की, लेकिन नहीं। देख, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और से करा दूंगी। तभी पारो रोते हुए अपनी सास के पैर पकड़ कर कहती है, नहीं नहीं माँ जी, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। नवीन जी को किसी और के साथ मैं कैसे देख सकती हूँ? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तू तो मुझे पोते पोतियाँ देने से रही। ये कहकर सुमन अपना पैर छुड़ाकर चली जाती है। पारो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। तभी नवीन को गले लगाकर वो कहती है, नवीन जी कुछ तो कीजिए, और कितना बर्दाश्त करूं? पता नहीं भगवान हम दोनों की गोद क्यों नहीं भर रहे हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? हम सब कुछ तो कर चुके हैं, फिर भी। दूर हटो तुम मुझसे, जब देखो रोज गले लगाकर रोना धोना मचा देती हो। बच्चा बच्चा बच्चा, अरे मुझे भी बच्चा चाहिए, क्या करूं? कुछ हो तो नहीं रहा ना? अपने दोस्तों के बच्चों को देखकर बहुत बुरा लगता है, और घर आते ही तुम दिमाग खराब कर देती हो। नवीन जी अब कम से कम आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे आपका ही तो सहारा है। माँ जी ने तो आज मुझे आपकी दूसरी शादी की धमकी दी है, मैं कैसे रहूंगी? अरे प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। नवीन की कांटों भरी बात सुनकर पारो देर रात रोते हुए दुर्गा माँ के मंदिर पहुँच जाती है और घंटियाँ बजा बजा कर रोने लगती है। दुर्गा माँ, मेरे 7 सालों की भक्ति का आपने ये सिला दिया है मुझे। अब मेरे सर का बांध टूट चुका है, अब मैं और किसी के ताने नहीं सुन सकती। या तो आप मुझे माँ बनने का सुख प्रदान करो, या मैं अपनी ही जान दे दूँ। आप माँ है ना, मेरा दर्द समझ सकती है। एक स्त्री का जीवन तो माँ बनने के बाद ही संपूर्ण होता है, और आप अगर मुझे वो सुख नहीं दोगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। माता रानी मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे, मेरी भक्ति का जवाब दो मुझे। घंटों तक माता रानी से सवाल करते हुए घंटा बजाती ही रहती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी सपने में उसे अपने आसपास 12 खेलते हुए बच्चे दिखते हैं, जो उसे माँ माँ करके पुकारते हैं। 2 साल का बच्चा उसके सिर पर हाथ रखता है, जो कहता है, माँ माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मैं आ रहा हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है तू, आजा बेटा आजा। पारो उसे सीने से लगा लेती है। तभी दुर्गा माँ प्रकट होकर कहती है, पुत्री तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है, तुम माँ बनने का सुख जरूर भोगोगी, और मैं तुम्हें 12 बच्चों की माँ बनने का वरदान प्रदान करती हूँ। ये बोलते ही दुर्गा माँ के हाथ में से तीव्र रोशनी उसके गर्भ पर पड़ती है और वो गायब हो जाती है। तभी पारो होश में आकर माता रानी के आगे माथा टेक कर और कहती है, माँ सच में आपने मुझे वरदान प्रदान कर दिया, अब मैं 12 बच्चों की माँ बन सकती हूँ। मुझे तो अजीब सा भी महसूस होने लगा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं घर में जाकर सबको खुशखबरी देती हूँ। पारो घर जाकर अपने माँ और पति को देवी माँ के सपने में आने के वरदान के बारे में बताती है, तो उसकी सास धक्का देकर गुस्से से कहती है, अरे भांग वांग पीकर आई है क्या? जो 7 सालों से बांझ थी वो आज अचानक से 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? और इतनी रात को कहाँ गई थी? हाँ पारो, ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? मम्मी जी, नवीन जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, माता रानी ने मुझे खुद वरदान दिया है, मंदिर में थी मैं। दोनों पारो को पागल समझने लगते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पारो दोबारा मूर्छित हो जाती है। तभी नवीन पारो को हॉस्पिटल ले आता है, जहां डॉक्टर चेकअप करके हैरानी से कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब क्या हुआ? मिस्टर नवीन, आपकी बीवी 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर सुमन और नवीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही पारो के 12 बच्चों की माँ बनने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। सुमन और नवीन उसका बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन पारो सुबह सुबह टहल रही थी कि उसे देखकर लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। अरे अरे देखो तो सही, 12 बच्चों की माँ जा रही है, भला ये बांझ एक साथ 12 बच्चों की माँ कैसे बन सकती है? मुझे तो ये कोई मायावी चुड़ैल लग रही है, जिसने काली शक्तियों का सहारा लेकर ये सब किया है। क्या पता रात में ये इसीलिए जाती हो। उसे बुरा भला कहकर गांव की औरतें उस पर पत्थर बरसाने लगती हैं।
जिसमें उसकी मौत हो जाती है, तभी वो चुड़ैल बन जाती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उम्मीद नहीं थी एक औरत होकर तुम मेरे साथ ये करोगे। अब देखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतने बरसों बाद मैं माँ बनने वाली थी, तुमने मुझसे वो खुशी भी छीन ली। मेरे साथ तुमने मेरे 12 बच्चों की हत्या की है, बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। ये बोलने के बाद चुड़ैल उन औरतों को मार डालती है। जिसने उसे मार डाला था, एक एक करके वो सबसे अपना बदला ले लेती है। चुड़ैल बनने के बाद उसकी भूतिया शक्ति से एक हफ्ते में वो 9 महीने का गर्भ धारण कर लेती है और एक दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाकर कहती है, दुर्गा माँ, ये मेरे साथ आपने क्या अनर्थ कर दिया। आपने तो मुझे 12 बच्चों की माँ बनने का फल दिया था, तो वो फला क्यों नहीं? क्या मेरी माँ बनने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी? क्या मेरे 12 बच्चे मेरी तरह यूं ही भटकते रहेंगे? मैं अपने परिवार को बच्चे का सुख नहीं दे पाई। क्यों माता रानी, मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया आपने? मैं जानती हूँ उन लोगों को मारकर मैंने गलत किया है, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। एक माँ अपने 12 बच्चों के लिए इतना तो कर सकती है, लेकिन अब सवाल मेरे 12 बच्चों का है। वो तो आने से पहले ही मृत होकर भूतिया बच्चे बन गए हैं। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर माता रानी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, पुत्री तुमने बहुत दर्द सह लिए, अब रो मत। मैं तुम्हारा दर्द भली भांति समझ सकती हूँ। विधि के विधान में ये पहले से तय होता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी 12 बच्चे नहीं भटकेंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मुक्ति प्रदान करती हूँ। साथ ही अगली जन्म में तुम 12 बच्चों की माँ बनने का वरदान जरूर भोगोगी, और वो बच्चे मेरा अंश होंगे जिन्हें दीर्घ आयु जीवन मिलेगा। शुक्रिया माँ, आपने मेरा इस जन्म बहुत साथ दिया। आशा करती हूँ अगला जन्म जल्द ही प्रदान होगा मुझे। ये कहते ही माता रानी गायब हो जाती हैं और चुड़ैल के साथ उसके 12 बच्चे भी मुक्त हो जाते हैं। चुड़ैल की मैंगो मशीन। सीमापुर गांव में एक सुमन नाम की बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पास अक्सर छोटे बच्चे और बड़े लोग आम लेने आया करते थे। न जाने उसके आम में ऐसा क्या था कि शाम को उस बुढ़िया के पास दादी दादी करते हुए बच्चे आम खाने आया करते थे। ऐसे ही एक दिन रिंकू और पिंकू सुमन के पास आते हैं और कहते हैं, दादी दादी, आज भी हमें आम खाने का बहुत मन कर रहा है, एक एक आम दो ना। हाँ हाँ दादी, आज भी एक आम दो ना, जो बड़ा सा हो और बहुत रसीला हो। आपके पास आकर आम खाना में बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं अभी आम लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो बुढ़िया अंदर से 2 आम निकाल कर लाती है और बच्चों को दे देती है, जिसके बाद बच्चे बड़े चाव से उस आम को खाते हैं। कैसा लगा बच्चों तुम्हें ये, और खाओगे आम? हाँ दादी, एक आम और दे दो। अरे सुमन आंटी, मुझे भी आम चाहिए। आपके आम में पता नहीं क्या जादू है, जिसे खाकर हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगता है। बाहर मार्केट में तो बहुत महंगे, लेकिन उसमें वो बात ही नहीं जो आपके आम में है। आप मुझे 1 किलो आम दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 किलो क्या, 2 किलो आम ले जाओ। आम देने से मैं कोई मना थोड़ी करूंगी। जी आंटी। ये सुनकर वो बुढ़िया गीता को 1 किलो आम दे देती है, जिसके बाद वो आम लेकर चली जाती है। ऐसे ही कई लोग उस बुढ़िया पर बार बार आम खरीदने आते हैं। अगले दिन जमुना रोते हुए कहती है, अरे कोई तो मेरे पति को ढूंढ कर ला दो, पता नहीं वो कहाँ चले गए। जब से कल वो आम लेने गए हैं, मिल ही नहीं रहे। तुम परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा तुम्हारा पति, आ जाएगा। क्या पता उससे कुछ काम पड़ गया हो। नहीं नहीं, वो मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाते। उसी शाम जमुना को उसका पति रास्ते में मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। वहीं जो भी आम खा रहा था वो एक एक करके गायब हो रहा था। आखिर गांव के लोग आम खाकर क्यों गायब हो रहे थे? क्या उसके पीछे वो आम वाली बुढ़िया है? अगर हाँ तो पूरा सच जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक शाम रमेश उसे आम लेकर खा लेता है। आधी रात में वो उस आम से सम्मोहित होकर उसी बुढ़िया के पास चला जाता है और वो बुढ़िया उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम फिर से आम खाने आए हो क्या? ओहो लगता है। अरे ये तो मेरे सम्मोहन में है, तो चलो आओ, आज मैं तुम्हारा टिकट ही काट दूं। बहुत प्री के आम खा लिया तुमने। ये बोलकर सुमन एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और रमेश को जान से मार डालती है। बता,
और खाएगा मेरे आम। तुमने धोखे से मुझे अपने आम खिलाकर संबोधन किया और मार डाला, क्यों? क्योंकि मुझे मारने में बहुत मजा आता है। रमेश इतना कहते ही दम तोड़ देता है। इस तरह चुड़ैल फिर से इंसानी रूप लेकर लोगों को अपने नशीले सम्मोहन आम देती है, जिसे खाकर लोगों को उस आम की लत हो चुकी थी। वो बार बार आम को खाने आते हैं, फिर एक दिन उन्हें वो मार देती है। गांव के लोगों को कानो कान पता नहीं चलता कि आखिर गांव के इतने लोग कहां गायब हो रहे हैं और कैसे मर रहे हैं। रात के समय जमुना उसके पास आती है और उससे कहती है, मुझे और आम खाने हैं, मुझे आम चाहिए। क्या बोली तू, तुझे आम चाहिए? वो आम तो मैं तुझे दे ही चुकी हूँ, अब तो तेरे मरने की बारी है। आखिर मेरा शिकार मेरे पास फिर से आ ही गया। ये बोलकर चुड़ैल जैसे ही जमुना को मारती है, तभी उसका बेटा पार्थ, जो कि भूत था, ये सब करता हुआ उसे देख लेता है और कहता है, माँ ये सब क्या है, आपके पास शिकार कैसे आ गए? मुझे तो इस इलाके में शिकार बिल्कुल भी नहीं मिलते शिकार करने के लिए, मुझे शहर जाना पड़ा। ये तो तेरी माँ का कमाल है जो शिकार मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। हाँ माँ, पर आप ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से शिकार आपके पास खुद आ रहे हैं? बेटा तुझे तो पता ही है, आम के सीजन में लोग बिना हवा के रह सकते हैं, लेकिन बिना आम खाए नहीं रह सकते। तो बस इन्हें रसीले आमों से मैं इन्हें सम्मोहित कर लेती हूँ और ये मेरे पास खींचे चले आते हैं और फिर मैं इन्हें मार देती हूँ। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, पर इतने सारे रसीले आम कहाँ से लाती हो? उसके लिए तो मुझे बुढ़िया के गेटअप में बहुत सारे कच्चे आम लाने पड़ते हैं, फिर मेरे जादू से अगले ही दिन वो आम पक जाते हैं, जिन्हें खाकर लोग मदहोश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, पर आप आम पर इतनी मेहनत क्यों करती हो? मैं जादू से आम मशीन ले आता हूँ, उससे आप जितने चाहे उतने आम लोगों को खिलाकर उनका शिकार कर सकती हो। पता नहीं पहले मुझे ये ध्यान क्यों नहीं आया। सच बेटा? हाँ माँ, देखना अब हमारे आम की मशीन से हमारे शिकार करने का कितना बिजनेस चलेगा, इतना तो किसी और चुड़ैल और भूत ने नहीं किया होगा। वाह बेटा, आज मुझे अपने भूतिया बेटे पर बहुत गर्व हो रहा है। ये बोलकर वो भूत अपनी जादू से आम की मशीन ला देता है, जिसके बाद वो आम की मशीन चलाकर दिखाता है। अरे बेटा, पर इसमें से इतने सारे आम कैसे निकलेंगे? बस आप अपना एक रसीला आम इन मशीनों में डाल दो, फिर देखना। बेटे की बात सुनकर चुड़ैल उस मशीन में एक आम डाल देती है, फिर वो भूत मशीन का बटन ऑन कर देता है, जिसके बाद एक के बाद एक रसीले आम निकलते हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह मेरे भूतिये बच्चे, तूने तो सच में कमाल कर दिया, अब तो हमारे पास इतने शिकार होंगे कि पूछो ही मत। हाँ माँ। अरे सुमन जी, और आम होंगे क्या? मेरी पड़ोसन और बीवी दोनों ही आपके आम की मांग कर रहे हैं। माँ कोई दरवाजे पर आया है, जाइए और उसे फ्री में आम दे दीजिए। हाँ हाँ जाती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल कमलेश को फ्री में आम दे देती है, तभी वो कहता है, अरे सुमन जी आप पैसे क्यों नहीं ले रही? बस ऐसे ही, आज फ्री में ले जाओ, बल्कि अब से हर रोज फ्री में ले जाओ, जितना मन करे उतना ले जाओ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बोलकर वो बहुत सारे आम ले जाता है, जिसके बाद वो आम दो तीन लोगों को बांट देता है। वो लोग आम खाकर सम्मोहित हो जाते हैं और रात को चुड़ैल और उसके बेटे के पास पहुँच जाते हैं। उनके बाद वो दोनों उसे मार देते हैं। इसी तरह दोनों मैंगो मशीन से रोज आम निकाल कर लोगों को जी भर कर आम देते हैं। तभी एक दिन लोगों को मारते हुए गांव का मुखिया देख लेता है। अरे बाप रे, इसका मतलब माँ बेटे के रूप में हमारे गांव में अब तक चुड़ैल और भूत रह रहे थे, इसका मतलब यही अभी तक लोगों को गायब करके मार रहे थे। ये बोलकर मुखिया अपने गाँव के लोगों को उन दोनों के बारे में बता देता है और सभी लोग उसके घर के पास मशाल लेकर पहुँच जाते हैं। साथ ही तांत्रिक अपनी मंत्र से उसको बंदी बना देता है। अब तुम्हारा शिकार करके लोगों को मारने का खेल खत्म। एह तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदी बनाने की? छोड़ मुझे और छोड़ मेरे बेटे को। ए बुड्ढे, मरना चाहता है क्या? मरेगा तो तू। अब खड़े क्या हो तुम सब, मशाल लेकर जाओ, इसकी आम मशीन में आग लगा दो। मुखिया की बात सुनकर गाँव के लोग उसकी आम मशीन और झोपड़ी में आग लगा देते हैं, जिसके बाद दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर तांत्रिक भी उनकी आत्मा को कैद करके हमेशा के लिए चला। चुड़ैल की डरावनी हवेली। हरमन, राजू, पाखी तीन दोस्त मुंबई से शिमला घूमने के लिए वहां पहुंचते हैं और चलते चलते वो एक हवेली के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे यार
ये हवेली बड़ी मस्त लग रही है, चलो यहीं रहेंगे आज। नहीं बे, जरा गौर से देख, बिल्कुल पुरानी भूतिया टाइप लग रही है। अबे हवेली जितनी एंटीक हो ना उतनी मस्त लगती है, और क्या पता अंदर हमें हीरे मोती मिल जाए। हाँ पाकी, बिल्कुल सही कह रही है, आज हम यहीं अपनी रात काटेंगे। तीनों अंदर जाते हैं कि वहाँ गेट पर एक कुत्ता भों-भों करने लगता है, साथ ही इस गेट पर लिखा होता है कि अंदर आकर डरना मना है। तभी हरमन और पाखी कुत्ते से डरकर कहते हैं, बचाओ बचाओ राजू, हटाओ इस कुत्ते को, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम हटाओ ना इसको। अरे हरमन पागल है क्या, मैं खुद ही डरी पड़ी हूँ इस कुत्ते से। अच्छा हटाता हूँ उस कुत्ते को। डॉगी डॉगी चलो भागो यहाँ से, चल। अबे साले इसको हटा रहा है या प्यार कर रहा है, ऐसे हटाते हैं क्या? अबे कोई ईंट पत्थर फेंक कर मारो से, और देख गेट पर लिखा गया है अंदर आकर डरना मना है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है राजू, यहाँ से वापस चल। अबे कुछ नहीं होगा, डर मत। ये बोलकर राजू बैग में से कुछ बिस्किट उस कुत्ते की तरफ फेंकता है और वो खाने लगता है। तभी तीनों अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं कि बहुत सारे चमगादड़ उड़कर उनके सिर पर से जाते हैं, तो कभी चूहे उनके सामने फुदक कर जाते हैं। तीनों उस गेट तक भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे खोलने की अजीब आवाज आती है। अबे यार जरा देख तो कितना बड़ा दरवाजा है, लेकिन जाले बहुत लगे हुए हैं। अरे यार देखना कितना अंधेरा है, अरे थोड़ी लाइट जलाओ, वैसे ही मेरी फट रही है, कभी चमगादड़ उड़ रहे हैं, कभी चूहे आ रहे हैं, कभी कुत्ते आ रहे हैं। अच्छा मैं टॉर्च जलाता हूँ। ये बोलकर राजू टॉर्च जलाता है कि अचानक से अंधेरी हवेली में लाइट जल जाती है और पाकी ऊपर झूमर को देखकर कहती है, अरे वाह यार कितना मस्त और बड़ा झूमर है, देख तो सही हरमन। जैसे ही हरमन ऊपर झूमर देखता है, उसे उस झूमर पर लपेटा हुआ एक मोटा सांप दिखता है जो उसके करीब आकर फन निकालता है। उसे देखकर हरमन डरते हुए कहता है, सांप राजू राजू यह सांप है। हरमन की बात सुनकर दोनों सांप को देखकर बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद वो पीछे के कदम बढ़ाते बढ़ाते एक तस्वीर से टकरा जाते हैं। तभी उस तस्वीर में से एक भूतिया पेंटिंग बोलती है, तो कैसी लगी आपको डरावनी हवेली? आह भला ये पेंटिंग कैसे बोल सकती है? राजू हरमन मुझे भी बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। तीनों बाहर गेट की तरफ बढ़ते ही हैं कि अचानक से हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और तीनों उसे खटखटाकर खुलवाने की कोशिश करते हैं। देखा मैंने बोला था ना कि मेरी बात मान ले, लेकिन तूने नहीं सुनी, इतनी डरावनी जगह ले आया, अब पता नहीं क्या होगा। सॉरी मुझे माफ कर दे, लेकिन अभी हमें यहाँ से बाहर जाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। राजू इतना बोलता है कि सामने से एक कंकाल मुंडी हिलाकर चलते हुए आता है और कहता है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, तो कैसे हैं आप सब? फिलहाल तो बहुत खतरे में है। तुम सब अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, तुम्हें डरावनी हवेली में रहना ही पड़ेगा जानू। ये हड्डी देखियो कितने प्यार से धमकी दे रहा है। ए लड़की मैं हड्डी कहाँ से दिखता हूँ? मेरी आँखों से तो मुझे हड्डी ही दिख रहा है, और तेरी हड्डियों के आर पार देखकर मैं लोगों का एक्सरे भी कर सकती हूँ। अच्छा ऐसा है, तो आकर एक्सरे करती क्यों नहीं है? ये बोलकर वो कंकाल पाखी को हवा में उठा देता है। तभी पाखी कहती है, कंकाल भैया सॉरी गलती हो गई मुझसे, छोड़ दीजिए मुझे। ये कहते ही कंकाल उसे जमीन पर ही छोड़ देता है, जिससे पाखी के चोट लग जाती है। तभी दो चुड़ैले आती हैं, एक के हाथ में चाय और दूसरी कटी हुई मुंडी थी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। नहीं मेरे साथ इस कटे सर से फुटबॉल खेल लो। अरे बोलते क्यों नहीं, चाय लेकर आई हूँ पी लो, बड़ी मेहनत से खून से बनाकर लाई हूँ, पी लो वरना मार डालूंगी। अरे मैं भी लाइन में लगी हूँ, मेरे साथ कब फुटबॉल खेलोगे? पागल हो क्या, खून की चाय पिलाकर खून की उल्टी करवाने का इरादा है क्या? और तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो चुपचाप खड़ी रहो। राजू यार हम किन नमूने भूतिया लोगों के बीच आकर फंस गए, एक चाय पूछ रही है, दूसरी को मुंडी से फुटबॉल खेलना है। तू अकेला नहीं फंसा, हम भी यही हैं। अरे हम दोनों बहुत बोर हो रहे हैं,
तो हमारा मनोरंजन करके डांस करो, अगर नहीं नाचे तो तीनों को भी मार डालूंगी। हम नाचेंगे चाहे बसंती क्यों ना बनना पड़े, लेकिन हम नाचेंगे, बस हमारी जान को बख्श दो और जाने दो। मुन्नी बदनाम होई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम होई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के काल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे, मैं झंडू बाम होई डार्लिंग तेरे लिए। तू बहुत जालिम होई चुड़ैल हम तीनों के लिए। तीनों वहां से भागकर दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां जमीन के नीचे से एक डरावना हाथ राजू का पैर जमीन में खींच लेता है और कहता है, हरवन हरवन बचा मुझे, मेरा पैर कोई नीचे खींच रहा है। चिंता मत करो, मैं बताता हूँ तुझे। ये बोलकर हरवन उस हाथ पर पैर मारता है और राजू को बचा लेता है। सभी तीनों एक दीवार से टकरा जाते हैं, तभी उन दीवारों में से दो हाथ निकलते हैं और तीनों का गला पकड़ लेते हैं। तीनों उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़ हमें, छोड़ गंदे हाथ वाले, ऐसा कहकर पाखी उस भूत का हाथ काट लेती है। तभी वो भूत उसे छोड़ देता है और पाखी कहती है। पाखी की सुनकर वो दोनों भी उस भूतीय हाथ को काट लेते हैं, जिससे उनकी जान बचती है। तभी एक साथ उनकी तरफ कंकाल चुड़ैल और भूत आने लगते हैं, जो अजीब अजीब आवाज निकाल कर कहते हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे तुम्हें कच्चा वो भी, उसके बाद खून पीऊंगी मैं खून। नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, अभी तो हमने तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया। हाँ, सेटिंग है सीधी तेरी सहेली से, झुमका मंगवाया हमने बरेली से, तनिक आओ कभी हवेली पे। आ गया आ गया। आओ आओ ना बेब, आओ आओ। अब इन भूत भूतनी कंकालों को गाने का कितना शौक है, मरने से पहले जरूर इंडियन आइडल से निकाल दिया गया होगा। अरे यार, इनके निकलने की छोड़ और अपने यहाँ से निकलने की सोच, अगर नहीं निकले तो मेरा सूसू निकल जाएगा। सोच रहा हूँ। सोचते सोचते राजू एक दीवार पर हाथ मारता है, जिससे उसके हाथ में शीशा आ जाता है और शीशे में खुद को देखता है। अरे मैं अभी भी कितना अच्छा लग रहा हूँ। आ गया, मार डालूंगा मैं। ले तू भी अपनी शक्ल देख। राजू अनजाने में उस भूत को शीशा दिखा देता है, तभी शीशे में वो भूत कैद हो जाता है। ये क्या, मेरे कहने करने से ये गायब हो गया, इसका मतलब हम यहाँ से निकल जाएंगे और इन सारे भूतों को शीशे में कैद कर लूंगा। पाखी हरमन, मुझे इन भूतों से पीछे छुड़ाने का तोड़ मिल गया। ये सुनकर दोनों राजू के पीछे छुप जाते हैं और सारे भूतों कंकालों के आगे शीशा दिखाकर उन्हें उसमें कैद कर लेते हैं, जिसके बाद सारे भूत उस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। और हवेली से निकलकर तीनों शीशे को एक बड़े समंदर में फेंक देते हैं, जिसके बाद उन भूतों का अंत हो जाता है। चुड़ैल की शादी में जरूर आना। धरती के नीचे बसे पाताल लोक में एक बड़ी ही भयानक सूरत वाली चुड़ैल रहा करती थी, जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, चितकबरा चेहरा, दानवों से लंबे पंजे थे। वहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। चुड़ैल एक इमली के पेड़ पर बैठी हुई कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझे ये सड़ी गली जिंदगी और इस काली दुनिया से बाहर निकलना है। चुड़ैल धरती को चीरते हुए ताबड़तोड़ तबाही मचाकर प्रकट होती है। तभी उसके कान में एक शहनाई की गूंज सुनाई पड़ती है। अरे ये मधुर संगीत सुनकर तो मेरा तन मन डोलने पर उतारू हो रहा है। चुड़ैल शहनाई की धुन का पीछा करते हुए हवा में लहराती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर शादी के समारोह पर पड़ने के साथ चुड़ैल दूर खड़ी होकर कहती है, ये तड़क भड़क दिलरुबा चुड़ैल को बड़ा पसंद आया। उतावली चुड़ैल सुंदर सी औरत का भेष धरकर शादी में पहुंचती है, जहां डीजे की धुन पर पप्पू नाम का एक शख्स नागिन डांस कर रहा था। अरे लगाए वे तू लिपस्टिक, हिले लिपस्टिक, जिला टॉप लागे लू, हो जिला टॉप लागे लू। चुड़ैल उसको एक टक निहारते हुए पूछती है, अरे सुनो, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ कैसा जश्न चल रहा है?
अरे आज यहाँ पर हमरे लंगोटिया यार चनिया की शादी हो रही है। वैसे हम अब तक कुंवारे हैं सुंदरी, तुम चाहो तो लगे हाथ, हम दोनों का भी फेरा पड़वा दे। ये सुन चुड़ैल गुस्से से बौखला कर उसे जोरदार कंटाप लगा कर कहती है, यहाँ का बुखार उतरा कि नहीं? बचपन की उम्र में बचपन के ख्वाब नहीं देखा करते, ठरकी बुड़ो कहीं का। अरे एकदम तेज मिर्ची है ससुरी, एक तमाचे में ही सारा नजर आवत है। चुड़ैल चारों ओर ताकते हुए गायब होकर मंडप के खंभे से चिपक कर दूल्हा दुल्हन की शादी की रस्म देखती है और उनके सामने प्रकट होकर कहती है, चुड़ैल को भी शादी करनी है, क्या तुम मेरा दूल्हा बनोगे? हे राम जी, ये चुड़ैल शादी में कैसे आ गई? चुड़ैल, अरे कोई बचाओ हमको। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ए पप्पू पोपट, चल जल्दी से डीजे बजा, आज ये चुड़ैल दिल खोल कर नाचेगी। चुड़ैल को देख शादी में आए हर लोगों के चेहरे पर खौफ साफ साफ झलक रहा था। सभी सिर से पांव तक डर के मारे पसीने से सराबोर हो चुके थे। फिर चुड़ैल रूपा को छूते ही अपनी काली शक्तियों से दुल्हन के लिबास में बदल कर नाचती हुई कहती है, सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है, पाई है। आ तू संग मेरे है जीना मरना, कसम यही खाई है, खाई है। चलो दिलबर जल्दी से शादी करते हैं। अरे ये मुमकिन नहीं, अरे एक इंसान और चुड़ैल के बीच शादी कैसे हो सकती है? दूर हटो। तुमने दिलरुबा का दिल तोड़ा है, अब ये शादी तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून से चनिया का गला रेत कर उसके खून से होली खेलती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, सभी बाराती जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ये लुक्का छुपी का खेल नहीं चलेगा, तुम्हें इस चुड़ैल की शादी में जरूर आना होगा। शादी की लालसा लिए चुड़ैल पूरी रात भुतहा नाच नाचती है। तकरीबन दो दिन बीतने के बाद देर रात चुड़ैल सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती है, कहाँ मर गए सारे के सारे, मैं कहती हूँ जल्दी बाहर निकलो, वरना मैं इस हंसते खेलते गांव में मौत की नदियाँ बहा दूंगी। सभी जन चुड़ैल का डर मानकर किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं। तभी चुड़ैल उनके हाथ में पीपल के पत्ते पर खून से लिखा कार्ड देकर कहती है, चुड़ैल की शादी में जरूर आना, तुम सभी को दिलरुबा चुड़ैल की शादी का आमंत्रण है। पर आखिर तुम्हारा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी तुम सबकी है। कल अमावस की रात है, दिलरुबा उस अंधेरी रात में इंसान से शादी करना चाहती है। ये बोलकर चुड़ैल बवंडर मचाकर गायब हो जाती है और गांव वाले कहते हैं, अरे मुखिया जी, आखिर एक ही रात में हम इस चुड़ैल के लिए दूल्हा कहाँ से लाएंगे? भला कौन सा साधारण इंसान इस खूंखार चुड़ैल से शादी करने को राजी होगा? इस मसले का कोई तो हल खोजना ही होगा, वरना ये आतंकी चुड़ैल हमारे गांव को कब्रिस्तान में बदल देगी। शादी के मंडप में ही ये चुड़ैल मेरे पति को खा गई। ई बखत, बीती बात को याद करके आंसू बहाए के नहीं है, हमको अभी बाबा के पास चले के होई। सभी हाथों में मशाल लिए रात के अंधियारे में गांव से कोसों दूर गुफा में रहने वाले बाबा के पास आते हैं। प्रणाम बाबा। कहो क्या समस्या लेकर आए हो? बाबा हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। और वो चुड़ैल एक आम पुरुष से विवाह करने की लालसा जता रही है। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। हमारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। ये एक रक्त पिशाचनी चुड़ैल है, तुम्हें सिर्फ उसको कुछ देरी तक भटकाना है। कल अमावस की रात है, उस रात शैतानी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती है। कल उसकी शादी अवश्य होगी, पर इंसान से नहीं, एक शैतान से। सवेरे पूरा गांव चुड़ैल की शादी का मंडप सजाता है। चुड़ैल ये देखकर खुशी से कहती है, ये गांव वाले इतने प्यार से मेरी शादी का मंडप सजा रहे हैं। अंधेरा छाते ही चुड़ैल दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर कहती है, कहाँ है मेरा दुल्हा, जल्दी बताओ, दिलरुबा से और इंतजार नहीं होगा। सरपंच जी, कुछ कीजिए, अगर चुड़ैल को एका दूल्हा नहीं मिला तो ई हम सबन के चूल्हा में झोंक दिए।
गांव वालों को चुड़ैल से बचाने के लिए सूरज आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारा धूला मैं हूँ चुड़ैल। हाय, दिलरुबा तुम्हारी सदा पर फिदा हो गई। चलो जल्दी से शादी करते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? तुमने दिलरुबा और दिलबर के बीच दखल अंदाजी कैसे की? बाबा के आने तक मुझे इस चुड़ैल को शादी करने से रोकना होगा। दिलबर, अपनी दुल्हन की तारीफ नहीं करोगे? इस जोड़े में बहुत जच रही हो तुम। साजन जी घर आई, चुड़ैल क्यों शर्माई? अब मुझे और सब्र नहीं करना, चलो शादी करते हैं। अरे बिना पंडित के ब्याह कैसे संभव है, थोड़ा इंतजार और करते हैं। चुड़ैल को विवाह मंत्रों की जरूरत नहीं, सूरज से शादी करते ही मैं इसे लेकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। चुड़ैल सूरज का हाथ पकड़े मंडप की तरफ बढ़ती है, तभी जोरदार आंधी तूफान उठने के साथ एक विशाल दानव प्रकट होकर कहता है, आ गया झुम्भा। यही तुम्हारी दुल्हन है। धोखा, तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर अपनी चूड़ियों से गोल गोल घूमते हुए राख चक्र बनाकर उन्हें घेर लेती है। अब इस चुड़ैल का बनाया राख चक्र तुम सबको खाक में मिला देगा। अरे मुखिया जी, ये चुड़ैल से पंगा लेकर हम अपनी मौत को बुलावा दिए हैं। बाबा कसम करो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। बाबा हवन कुंड में आहुति देकर चुड़ैल को चक्र में बांध कर कहता है, आगे बढ़ो झुम्बा और इस चुड़ैल से विवाह करो। चलो सुंदरी, आज तुम्हारा इस राक्षस से विवाह है। दूर हट, वरना दिलरुबा तेरा कीमा बना देगी। मुझे सिर्फ पुरुष से विवाह करना है। अरे ये तुच्छ से दिखने वाले कीड़े मकोड़े पुरुष तुम्हें कोई खुशी नहीं देंगे। देखो मैं कितना शक्तिशाली और बलवान हूँ। मुझ राक्षस से विवाह करके तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर अंधेरी दुनिया में धुर्राटे काटेंगे। वैसे तुम्हारे बाजुओं में दम तो है, दिलरुबा अब तुमसे ही शादी करेगी। बाबा विवाह मंत्र पढ़कर चुड़ैल के शादी की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। आज मेरा सपना साकार हो गया, लेकिन दिलरुबा तुमसे फिर मिलने जरूर आएगी। अलविदा। चुड़ैल के ओझल होते ही गांव का माहौल एकदम शांत हो जाता है और गांव वाले गहरी सांस भरकर कहते हैं, शुक्र है ईश्वर का बला टली, हम सभी सुरक्षित हैं। ये सिर्फ आपके कारण ही संभव हो सका है। आपके रहते उस चुड़ैल के विवाह का सपना भी साकार हो गया और हम सबकी जान भी बच गई। इस तरह एक बार फिर मखना गांव वासी हंसी खुशी रहने लगते हैं।